हेलो एंड वी आर बैक विद ड्रैगन बॉल जी कैकरॉट। अभी हम लोग एज गोहान खेल रहे हैं, फ्रीजा की फोर्स से लड़ रहे हैं इधर उधर जाके। इनसे लड़ना है या लड़ लेते हैं आई गेस। क्या गोहान के पास कोई स्पैमिंग मूव है? वैसे इसके पास क्या है? पावर अनलीश्ड है इसके पास, सबसे बेहतरीन पावर, राइट? या अरे बाप रे, ओके मेरे पास कामेहामेहा है, नाइस। बॉडी इम्पैक्ट यूज़ करूँ क्या मैं, क्या यूज़ करूँ? मेरे पास कोई स्पैमिंग वाला ऑप्शन नहीं है। खैर मेरे को स्पैम करने की ज़रूरत भी नहीं है, गोहान इतना तेज है लाइक स्पीड में कंपेयर करें तो। देखना बाप रे, एक एक हिट में जा रहे हैं बंदे। ओके सर्ज मोड में चले जाते हैं, मचा देते हैं। तो भाई गोहान भाई और तेज़ हो गया तू अब भाई, तुम लोग तो गए, क्या करोगे तुम लोग? देखना वो भाई साहब, भूल जाओ तुमसे कुछ होगा। नंबर्स ऐसे बढ़ने लग रहे हैं सोल्जर्स के, ये एक ही बार में ले जाएगा गोहान तो भाई। 200 लेवल का गोहान तुम लोगों के लिए टफ है, समझ सकता हूँ मैं। 35 बंदे गए बस यार। ओ हाँ सब मर गए। नाइस, एस रैंक ऑब्वियसली। ओके इनसे तो टाइम पास के लिए लड़ना था, मेन जो हमारी फोर्स है वो वहाँ पे है, इन लोगों से लड़ना है हमें। Energy I sensed before belonged to the Ginyu Force after all. Mm-hmm. The Earthlings are here. Mm-hmm. You're the Saiyan known as Goku, aren't you? Hey! I'm Gohan. Abhe chillao mat, bhadak mat, theek hai, galti ho gayi usse. It looks like you guys still haven't learned your lessons, yeah. Oho, Ginyu Force hai isme. We are practically different people. Different kaise bhai, bhai toh tum log. Ye lichad se 100-200 level ke honge. Wouldn't hyper Ginyu Forces sound cooler? ये नाम डिसाइड कर रहे हैं, भिड़ो मेरे से। ओके फाइनली फाइटिंग टाइम, भिड़ दो सर। सबसे पहले तो पावर अनलीस्ड, उसके बाद सोलर फ्लेयर, बोलो गंदे हो गए, फुल हेल्थ करो और पेल दो इन्हें। 100 लेवल है यार, डबल या दो दो मुक्कों में मर रहे हैं। गुल्डो आ गया हमारा बेचारा लड़ने। गुल्डो रैन दे, तू भी 100 लेवल का है भाई, मार दिया दिखे मैंने उस गुल्डो को, वो आने से पहले मर गया लॉल। यार मेरे पास कोई स्पैम वाला होना चाहिए, लाइक बिग बैंग अटैक टाइप होता तो वह दो स्पैम करता। ओ इसके बाद 3-4 लेवल है। थैंक यू ट्रंक्स। ओके बस ठीक है, बेइज्जती मत कराओ अपनी, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम्हें पता है ना भाई साहब, गोहान तो बहुत स्ट्रांग हो गया है मेरे गेम वाला। ओ कॉम्बो टाइम, कॉम्बो टाइम, कॉम्बो टाइम, यस हियर गोस। ओ भाई साहब 85 लोग ले गया मैं तो। ये तो मीमर्स हैं दोनों के दोनों। भाई साहब बहुत तबाही मच रही है कसम से। मेरे कान फट गए बिल्कुल, इतनी तेज आवाज आ रही है। लेकिन हमने कर दिखाया, ये ज्यादा मुश्किल नहीं था, ये इतनी ज्यादा लेवल है। हाउ कुड योर पावर लेवल्स बी हायर देन आवर्स? ऐसा ही होता है ब्रदर, मेरे पास सेक्रेट वाटर था, द सुपर अल्ट्रा गिन्यू फोर्स कांट लूज। नहीं तुम लूज हो गए। तो गोहान की तरफ की टीम भी मर गई, गोहान एंड हिज टीम अराइव्ड एट द सोर्स ऑफ द वेरी पावरफुल एनर्जी एट नियरली द सेम एग्जैक्ट टाइम। पिकोलो एंड हिज टीम अपीयर्ड एंड मेट अप विद गोहान्स पीपल। बिफोर द वॉरियर्स वाज अ स्पेसशिप, वन दैट वाज ऑल टू फैमिलियर टू ऑल ऑफ देम। दैट्स फ्रीजा स्पेसशिप, आई गेस इन द गाइस वी फॉट अर्लियर केम हियर इन दैट। Seems like you also had to deal with Frieza's men. Yeah, but they were a lot stronger than the last time we fought them. Kuch bhi nahi the wo. Seriously strong energy from that ship. It's incredible. Ye Piccolo banda to energy sense karta rehta puri zindagi. Iska task hi yahi hai puri Dragon Ball Z series mein, energy Once sense karna. You have done remarkably well in besting Ginyu and his men. Haha, it's difficult to find good minions in this universe. I must commend you on a job well done, and what's more is that you've come to greet me. I'm fairly impressed.
Frieza! अभी आएंगे ना गोकू वगैरह. If it isn't the Namekian who attempted to fight me. Oh, and you would be Goku's son, would you not? Now, where might Goku be? My dad's off somewhere far away training. He's not here. How unfortunate. I was hoping to kill him and blast this backwater planet into a million pieces. What the hell are you doing here? What do you even want? Oh, is it not painfully obvious? Must I spell it out for you? I mean, देखा जाए तो जैसे गोकू वगैरह अर्थ पे रहते हैं और फ्रीजा और ऐसे विलन्स में इतनी ज्यादा पावर है कि ये प्लैनेट्स को ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो फ्रीजा को गोकू से ना भिड़ते हुए सीधा प्लैनेट अर्थ डिस्ट्रॉय कर देनी चाहिए. किससे ही खत्म हो जाएगा. आई मीन ये सबको एकदम से हरा देगी, स्पेस में वो सांस नहीं ले पाएंगे. आई मीन या गोकू बच सकता है क्योंकि उसके पास इंस्टेंट ट्रांसमिशन है, बट फिर भी सिर्फ गोकू ही तो बचेगा, बाकी सबकी डेथ हो जाएगी इसे इतनी दिक्कतें. हाँ लेकिन इसे बदला लेना है, चलो जो भी है. Nothing more, nothing less. Revenge. Goku must suffer for what he's done to me. I had a feeling it was something like that. The utter humiliation that Saiyan caused me. I will not allow his actions to go unpunished. तो अगर ये विलन है तो इसका मतलब ये फैमिली पे अटैक कर सकता है इजीली, और गोकू से बदला लेने का सबसे बढ़िया तरीका यही होगा उसकी फैमिली पे अटैक करना और फैमिली को आराम से मार सकता है, तो अर्थ खत्म कर दे. Unfortunately, he doesn't seem to be here. No matter. Knowing him as well as I do, he'll eventually show his face. मेरी पता नहीं इतनी गंदी आदत क्यों है, मैं अपनी स्टोरी घुसाने की कोशिश करता हूँ इसमें हमेशा. However, I am not a patient man. I don't intend to just sit here and wait for him. Perhaps I'll warm up by torturing you first. Yes, I like it. पढ़ ले फ्रीजा. डर मत पिघलो. Power he's hiding. Frieza's far stronger than he was the last time we fought him. तेरे को कैसे पता हैं कि उसका गोल्डन रूप भी है? I mean, पावर तो तभी बड़ी होगी ना यार. इनका सही है यार, ये जब भी पावर सेंसिंग की पावर से पता लगा लेते हैं कि सामने वाले की कितनी पावर है. Okay, I think that's a good stopping point. Nice. This Super Saiyan Blue transformation is getting a lot easier to manage. I intend to perfect this form, and once I do, you'll be the one in my Shadow Kakarot. There's no way to let that happen. Simply marvelous. You two have improved leaps and bounds. It's most impressive. Continue at this pace and... Oh, it seems I have a call from Earth. Please, excuse me for a moment. Bulma! Why, hello, Bulma. Have you managed to concoct yet another tasty... What's that? Did he say Bulma? Oh, Vegeta jealous? I'll be sure to pass your message on to Goku and Vegeta. Sending my love and all that. Take care. Something happened on Earth? Jealousy? Well, it appears Frieza is alive and has invaded Earth with his troublesome little army. What? Frieza's alive? Huh? Why in the world would Frieza choose to do this right now? Beats me. I haven't the foggiest. Goku to chill hai, bilkul. Tension nahi kuch nahi, makhan zindagi chal rahi hai. If I had to venture a guess, I'd say he's there to get revenge on you, Goku. Beerus-sama. Ah, Lord Beerus. Did you enjoy your nap? It was fine, but I would have slept even better if I hadn't gone to bed on an empty stomach. Even if he is seeking some sort of revenge, Trunks and Goten should be more than enough to put someone of Frieza's power level in their place. But I'm afraid that doesn't appear to be the case. Yes. What do you mean? I'm not privy to the specifics, but Bulma informed me that the others seemed rather concerned when they ventured to the battlefield. Earth may be in more trouble than you realize. Maybe he's undergone some sort of training in preparation for his grudge match against you, Goku. I'm not really sure what's going on, but we'd better not waste any more time and head back to Earth fast. Yes, indeed. Shall I transport you straight there? Yep, yahi better rahega. Wo ud ke jayenge to nahi ho payega kuch. Okay. On. We're ready, Whis. Let's get back to Earth. ये हम चले. Good. Now then, I'd hold on tight if I were you. Not so fast. I'll be going to Earth too. Oh, you'd like to join us, Lord Beerus?
Wait, Judge, are you gonna help us fight Frieza Beerus? Nah, Judge banega ye. Of course not. Don't be ridiculous. I'm a god of destruction, remember? It's not in my interest to destroy anything there. I'm only joining you to get my hands on some more of your planet's delicious food. Did you not hear me when I said I was hungry? Oh, so that's why. Besides, I can't imagine you'd want me to fight Frieza anyway, would you? I know you prefer fighting alone. Mm-hmm. Hey, enough of all this talking. If we don't get back to Earth immediately, then Bulma might... Trunks and the others might beat Frieza before we have a chance to fight him. Yeah, you're right. Real well feelings. Then, off we go. Hopefully Earth is still there when we arrive. Hey, Vegeta be full don't cute, talk bhai. Like that, Whis. हवाएं चल रही हैं ठंड भी लग रही है मुझे इन रियल लाइफ एंड हियर वी आर या दिस एनर्जी इज डेफिनेटली फ्रीज अस या एंड इट्स रियली स्ट्रांग एनर्जी टू भाई बातें ही करते रहोगे अर्थ उड़ा देगा वो लेट्स गो भाई तो या यू आर राइट ओके वी आर हेडिंग आउट थैंक्स अ बंच फॉर एवरीथिंग वीस एंड लॉर्ड बीरस आई रियली अप्रिशिएट इट यू आर वेरी वेलकम गुड लक Okay. All right, Whis, let's go get some Earth food. My, someone's impatient. Oh, such a man. I can still sense Gohan's energy. हम लोग उड़ के जाने वाले हैं. Then let's hurry, damn it. हम instant transmission क्यों use नहीं कर रहे भाई Goku? मैं खाना खा लेता हूँ थोड़ा सा. Okay, बहुत ज़्यादा training कर ली, बहुत सारे enemies को पीट दिया. अब हम चले Frieza से लड़ने. How is Frieza this powerful? Please don't tell me this is the best you can do. This is hardly the warm-up I was hoping for. I'm afraid this pre-revenge entertainment is starting to bore me. If only Goku had arrived sooner. Perhaps he's become painfully aware of my increased strength and power. Maybe he ran away in fear. No way! My dad would never do anything like that. You're a fool if you think Goku would run away! I really expected Goku to show. And what's worse is that you lot failed to entertain me. Such a shame. You will die. Here and now. No! Hold up! Yeah, I am Goku. Hello. Chamak damak tegdam. Looks like we got here just in time. Dad! You're here! You made it! Goku, Vegeta! You sure took your time! Get out of my way! Now! Bas kar Vegeta, tu yaar! You shouldn't have come here. Looks like I'll have to put you in your proper place, Frieza! Trunks has a rather go piche. So you've arrived at last. I've been waiting a long time, Goku. I will admit, I wasn't expecting Vegeta to be with you. Tell me, what the hell are you doing on this planet? You mean you really don't know? I'm here for revenge, of course. Particularly against you, Goku. Wait a second, Frieza. Don't tell me you're still sore about what happened on Namek. Obviously, sore. Brother. I'd never experienced defeat until I crossed paths with you. The embarrassment stayed with me from the moment I was killed and sent to Earth's Hill and every second since my resurrection. I've come to settle the score and show you that I am the superior being. I even trained, which is something I had never done before. Ye direct golden ban raha hai nahi? Let me hear it had such an effect on you. If you weren't rotten to the core, you'd sure make a great rival. What a shame. It's that sort of drivel that makes me loathe you with every fiber of my being. Sorry, Vegeta. Looks like me and Frieza are both ready to go at it. You don't mind letting me go first in this match, do you? Fine. Fine. I won't. If I catch you screwing around, I'm jumping in. Okay, sir, got Vegeta. It. Okay, Frieza. I know you've got a grudge against me, but I'm not gonna let you destroy Earth. I don't care about your little planet. It means absolutely nothing to me. I'll be satisfied as long as I have my rightful revenge. Nahi. Now then, tremble in fear before my amazing new power.
अमेजिंग न्यू पावर। अरे एक्चुअली मेरे को एक सेकेंड सर, अरे मुझे मेरे पास सुपर सैयन गॉड है वैसे। ओए ओए ओए, अरे बाप रे, अरे 160 लेवल है इसका तो। ओ बाप रे, रुक जा, अरे ये ना मानना भाई फ्रीजा, रुक जा भाई। मैं सुपर सैयन गॉड क्यों नहीं बन पा रहा, आई गेस मेरे को बनना ही नहीं है। सर्ज मोड एक्टिवेट कर लेते हैं, फिर इसकी धुलाई करते हैं फिर। अरे मानेगा नहीं, स्पैमिंग चालू होगी तेरी फ्रीजा अभी से ही। बेटा तेरी बुद्धि तोड़, रुक जा। गॉड कामे हमें हाले। ओ बाप रे, तबाही मच के रखी है मेरे अंदर। मान नहीं फ्रीजा, तू है स्पैम कर रहा है भाई। बोला था मैंने फ्रीजा, ये गोकू सबसे मक्कार है, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता है ये। I see. It seems you've attained a great deal of strength since we last fought. Yes. I have, and you're a lot stronger too. It's like I'm fighting a completely different person. Fortunately for me, I've done a great deal of training. Maska laga raha Goku tuse. You're hiding something, aren't you? Yes. Acha isliye main transform nahi ho paya tha. I've managed to achieve an even greater power in preparation for this moment. Frieza ko bhi pata hai, ye bhi kuch hide kar raha hai na. What are you waiting for? Stop talking and start showing. Okay, villainous laugh. Very well then. Allow me to show you just how much more evolved I have become. Oh damn. 300 लेवल ना पहुंच जाए इसका, कहीं ऐसी तसी हो जाए मेरी। पिकलो कह रहा होगा, अरे भैंस की इससे लड़ रहे थे हम, ये तो और पावर लेके बैठा है। मैं तो मर ही जाता। गोल्डन, चमकीला, शाइनी। His energy's through the roof. Ooh, shiny. एंड ये आ गई हमारी फ्रीजा। बड़ी अजीब सी लग रही है इसमें तो। I've made my new form gold, so it's clear who's sitting atop the pecking order. And to simplify things even further, let's call this Golden Frieza, shall we? Yes, ma'am, sir. You're no doubt aware that my change goes far deeper than just my shimmering exterior, yes? I am. And even though I'm excited, I have to admit I'm also kind of nervous. I don't know what to expect now. Well now, it seems Frieza's managed to increase his power by quite a bit. His lust for revenge has afforded him a great deal of motivation. If I didn't know any better, I'd say Goku may have finally met his match. Seriously? While it is true Frieza's increase in power is remarkable, I wouldn't count Goku out of this just yet. अभी गुद्दी तोड़ दूंगा मैं इसकी, रुक जाओ तुम लोग। All right. Now it's my turn to show you what I can do. Oh, तो हम I think हम blue super saiyan ही रहेंगे. What? Time's up. Beat it, Kakarot. Oh, come on, Vegeta. Things were just starting to get interesting. You only have yourself to blame. You should have stopped playing around ages ago. Now move aside. Vegeta, नहीं मानेगा तू है? Oh, come on. What's this? Vegeta, you wish to fight me? If you think you can defeat me, you're more delusional than ever. इसे नहीं पता ना ये सुपर सैयन बन सकता है। What is this? No, not you too. हाँ, लेजेंडरी सैयन है बिट्टा ये। गोकू कह रहा सारी अटेंशन खींच ली। You didn't know, did you? Yes, it's true. I too can become a super saiyan, a warrior of legend. And now on top of that, I have the power of a god. भाई साहब खतरनाक लग रहा है वजीटा। Well,
Are you ready to continue, or do you need a moment? Come on, let's see if the almighty Lord Frieza has what it takes to defeat me! Yes! I'll admit I'm surprised by your transformation, but this changes nothing! I am still far beyond you! Allow me to show you the true power of Frieza, the Emperor of the Universe! Wow, अपने मुंह से तारीफ करने में कभी नहीं थकती है, हाँ? Oh, let's go, re brother! Go back to hell! Go back to hell! For a lowly monkey. और ये आए हम surge mode में. It's time! Frieza Babu, it's time! पिटने का time है ये. मचा दी रे. ओ भाई साहब, इसके बस की रहा कुछ? 250 लेवल हूँ भाई मैं, 250 से भी ज्यादा. ओ भाई साहब, ये तो मस्त था. फाइनल फ्लैश. और अभी पिटाई बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो सर्ज मोड चालू है हमारा. ओ पीछे 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 पीछे, नहीं भाई तो. ओ बाप रे, डेंजरस. लेकिन अभी भी सर्ज मोड बाकी है मेरे दोस्त. बचो बचो बचो. अरे बाप रे, मान नहीं हो. प्रिपेयर योर सेल्फ. अरे बाप रे, गुस्सा आ गया फ्रीजा को, गुस्सा आ गया. अब थोड़ा सा बच के रहना है, डिफेंस खेलना पड़ेगा. अरे ये तो लगे ही लगे, अरे ये तो लगे ही लगे रे. ओ बैंस की. ओ भाई गुस्से में हो, गुस्से में फ्रीजा. ओ डेथ बॉल. भागो 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 भागो. अरे बाप रे, ये फ्रीजा तो भाई बहुत गुस्से में है ना, मानना छोरी. थकेगा थकेगा, पर तू भी थकेगा ब्रदर, ये मन नहीं. डेथ बॉल पे डेथ बॉल, दो डेथ बॉल कौन छोड़ता है भाई. यस थक गई, वो थक गई, गई रे बाबू. अरे फाइनल फ्लैश, बच गई वो. आउच. वो Big bang le. फिर से गुस्से में आ गई भाई छोरी, छोरा I mean. Offensive पे चले गए हम. और ले रे, पेल दिया वजीटा ने. फिर से गुस्सा. Big bang le. Sorry madam. Oh. Death ball. मेरा बिग बैंग. अरे यार इसकी डिस्क तो फिर भी आ रही है यार, ये क्या बात हुई. मरा. ओप्सी. कर दिखाया मैंने, ए रैंक मिली, पर व्हाट द हेल. बिग बैंग अटैक ने बचा लिया हमें भाई. ये 170 लेवल था फिर भी इतना मुश्किल. 200 से ज्यादा लेवल होता तो क्या होता. नहीं वजीटा, इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता. कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा ना यार ये, कि इतनी ट्रेनिंग करी, नया रूप और इतना फिर शो ऑफ करा. You're finished, Frieza. लेकिन फिर भी मैं हरा नहीं पाई इन्हें, या पाया इन्हें. Frieza! ओह ये है विलन वाला रूप. What's so damn funny? I'm not the one who's through here. You and your planet are finished. यार मैं तेरे को पहले ही कह रहा था फ्रीजा, देख पल प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर दे इजीली, इनके ऐसी तैसी कर सकती है तू. बट नहीं, तेरे को तो फन्ने खां बनना था, शो ऑफ करनी थी अपनी गोल्डन पावर. Earth is destroyed. Push, we are in space. Earth नहीं बची. Viz ने इन्हें क्यों बचाया? मेरे को एक बात बताओ. The Earth.
क्यों बचाया फ्रीजर ने? डिड समथिंग क्वाइट फैसिनेटिंग देयर आई मीन गोकू डिच एफर्ट ही टुक आउट द होल प्लेनेट ओ मे बी गोकू इसलिए बच गया क्योंकि ये इन्हीं के साथ खड़ा था स्मार्ट सो व्हाट हैपेंड टू एवरीवन एंड वेयर इज फ्रीजा I'm afraid all the inhabitants of Earth have perished. Frieza, on the other hand, is most likely still alive. What? But how? He's able to survive in the vacuum of space. How surprisingly clever of him. Wait, No way! So, now that Earth's gone, that means the Dragon Balls are gone too! Ye, dekha? पता है क्या ये ड्रैगन बॉल्स की वजह से जितनी ये लाइफ वापस ले आता था ना गोकू बार बार इसीलिए इसे दुख नहीं हो रहा अबे पूरी अर्थ उड़ गई भाई और इसे कोई परवाह नहीं इसे पता है कुछ ना कुछ हो के वो अर्थ वापस आ जाएगी लाइक डेथ को तो सीरियसली लेते ही नहीं अब ड्रैगन बॉल्स में अरे कोई मर गया चलो ठीक है बाद में देखेंगे आ जाएगा वो वापस ऐसे करते हैं यार वी कांट विश एवरीवन बैक दैट साउंड्स अबाउट राइट नहीं अभी भी दुख नहीं हो रहा इसे ये नॉर्मल आवाज में बोल रहा है इसे पता है कुछ ना कुछ जुगाड़ लग जाएगा मेरा Man, this sucks. I should have finished him off when I had the chance. अब गोकू को ओवरएक्टिंग करनी पड़ रही है सैड होने के लिए. Indeed. Are you ready to make this right then? क्यों? ये बात तो क्यों बोल रहा है वैसे मेरे को ये बात बता है भाई. दोस्त है तो इसका दोस्त बन गया अब तू. हह? Huh? गोकू का? This turn of events happened because of your own naivety. Rather than making short work of Frieza, you had too much fun with the fight. And got careless. I know. So try not to mess things up this time. क्यों this time? Destroy Frieza and send him back to hell. क्यों मौका मिल रहा है गोकू को एक और बार? What are you talking about? मैं विलेंस के साथ हूँ इस टाइम तो. I possess the ability to turn back time, albeit only a brief amount. 3 minutes is the most I can manage. ये बंदा जब कहाँ था? Time? जब सेल फोड़ने वाला था अर्थ को. Once I do so, you will be returned to just moments before the Earth was destroyed. ये definitely खाने के लिए कर रहे हैं क्योंकि Earth का खाना इन्हें पसंद है। कितनी नाइंसाफी वाली बात है यार। Villains के लिए मेरे को इतना दुख फील हो रहा है ना पता है? Oh, then that means I can take out Frieza. Exactly. Finish him off quickly, and your planet will be spared. This is great. I had no idea this was even an option. तुम लोग बात कर रहे हो 3 मिनट स्किप हो गए ना रोते फिरोगे पूरी जिंदगी This is a one-time deal. The only reason I'm allowing this is because I don't want to miss out on Earth's delicacies. ये तो completely discrimination है इसको God of Destruction क्यों बना रखा है बीरस को केस कहां कर सकता हूं मैं इनके खिलाफ मेरे को ये बताओ बस As I said before, do not mess this up. I won't. We'll see. I'm going to rewind time now. Are you ready? Yeah, let's do this. Okay, villains ko to koi chance milega hi nahi DBZ mein. Like villains hain bhi kyun? Jab ye godlike creatures aise taisi kar sakte hain. Like us Frieza ne itni mushkil se earth udai hai tadap ke rote rote uske emotions ka koi khayal hi nahi hai. Matlab ye khel rahe hain uske emotions ke sath. Ab Frieza ko kitna dukh hoga like use to pata nahi chalega waise ki time mein piche aaye hain ye log. All right, Goku. I've turned back time. Thanks. I owe you guys. Okay, time to make this right. Yes. तो अब ये Frieza को मार देगा ये I'm not gonna make it. Hurry and get to Frieza. अरे भाई मैं उड़ रहा हूँ यार और क्या चाहता है गोकू तू मेरे से भाई Kiss your ass goodbye, Frieza. No. 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 No, no, no. Dekha frustration dekh rahe ho? Iske emotions ke saath You're finished, Frieza. I feel so sad for Frieza. Go back to hell, huh? इसका विलेनियस लुक काफी अच्छा लगता है फ्रीजा का What's so damn funny? I'm not the one who's through here. You and your planet are finished. Frieza! What? The death of Frieza.
बाय बाय। मरा व्हाट, मरा क्यों नहीं है? All right, Frieza. Looks like I'm gonna have to finish you off myself after all. I'm not letting you pull any more of your tricks. फिर से वेजिटा की अटेंशन चुरा ली गोकू दूने. How could he possibly know what I was planning? No, 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 no! Frustration. You've gotten in my way for the last time, Goku. मार गुद्दी तोड़ दे गोकू की, मैं तेरे साथ हूँ। I refuse to share a universe with the likes of you. Yes, I agree. Cheating करता है ये। पेल दे, फ्रीजा से खिलवाओ। मैं इसकी गुद्दी तोड़ दूँ गोकू की। You're just now realizing that. I could reduce you in this sorry excuse for. ओ बच गया। Not on my watch or not. अरे यार ये गॉड कामयाबियां काम तो कर नहीं रहा भैंस की। ओके 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 ऐसे करते हैं। आउच 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 आउच, बच गया। नाइस नाइस, पेलो पेल तो पेलते रहो। पीछे 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 पीछे, गॉड कामे हमें यहाँ एक और बार। अरे वो भी कुछ छोड़ रहा था, लॉल। नहीं गोकू, आई मीन फ्रीजा। पीछे पीछे पीछे, सर्ज मोड। I'm not going to suffer humiliation at your hand again. अरे फ्रीजा मकार ब्रेक दे दिया, लॉल। हाँ रुकी रह रुकी रह, नहीं पेल मत। ओ सेफ। अरे पैस की छोड़ मेरा पीछा, मानना ही नहीं करती मेरे को। सर्ज मोड में आने का चांस नहीं दे रही, छोड़ रही। बच गया, बेइज्जती। ओके ओके, ओ डेंजरस। पीछे पीछे पीछे, ओ ओ फ्रीजा सॉरी पर बाय बाय बालक। पीछे पीछे पीछे, ओ ऐसे बचना इससे। ओ भाई साहब ब्रेक दे दिया फिर से। फ्रीजा ने तो जिंदगी आराम कर रखी, गती मानना नहीं गती भी। तू पहले ये ले, चल ये ले पहले। याद आया मेरा ये वाला अटैक? ओ ओ ओ, ओ। बाप रे, एरर आ गया क्या करोट में? इतना इतनी इंटेंस फाइट हो गई है, ठीक है। गोकू और फ्रीजा की फाइट को मेरा PS4 झेल नहीं पाया, उसने क्रैश कर दी गेम। इट्स टाइम, गोल्डन फ्रीजा को डिफीट करने का टाइम आ चुका है ब्रदर। अरे बाप रे, इसने भी तो अपना वो एक्टिवेट सा कर लिया। नहीं, पीछे 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 पीछे, फ्रीजा गुस्से में है, पीछे जाओ। बूम फ्रीजा, ओ बाप रे, मन नहीं। पीछे जाओ, पीछे जाते रहो बस। ओके बच गया, नाइस। अरे यार बच गया, ओ बच गया, बाप रे सारे अटैक से बच गया इसके। नहीं ये वाला गया, डेथ बॉल। मेरा सारा सर्ज मोड वेस्ट हो गया, नाइस। नहीं 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 नहीं, गलत टाइम पे लैंड नहीं और एनर्जी करा तूने गधेड़े। उसका डेथ बॉल मेरे स्पिरिट बॉम्ब में खो गया था, मेरे को पता ही नहीं चला। गोल्डन फ्रीजा गुस्से में है। पीछे जाते रहो, जाते रहो, पीछे जाते रहो। वो पीछा ही करने लग रहा है मेरा। मैं तो जा रहा हूँ फ्रीजा बाबू, मैं तो बहुत दूर हूँ। कहाँ तक आएगी इसकी डिस्क ये? ओ भाई फॉलो करने लग रही है इसकी डिस्क। ओची, हील लेड है मेरे पास। सॉरी फ्रीजा, चीटिंग कर रहा हूँ थोड़ी सी, बट करना पड़ा बाबू। क्या है ये फ्रीजा, मेरे पास दुनिया भर की हील एड है, तू पागल हो जाएगी मारती हुई मेरे को। अबे भाई क्या दुनिया भर के गोल्ड डेथ बॉल छोड़ने लग रही है ये। बेटा गॉड काम है, हाँ गई तू बाबू। अरे बाप रे, इसे तो ओहो, मारो 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 मारो। ओ भाई साहब ये क्या इंटेंस फाइट, आई लाइक इट। फॉलो अप ऑब्वियसली, बूम सारे दांत तोड़ दिए रे।
सारी अटेंशन फिर से ले ली तूने गोकू, हाँ हमारा बेचारा वेजिटा फेल हो गया। गॉड का मैं हमें हा क्यों यूज नहीं करा तूने? बाप रे, डिस्पेयर, टोटल डिस्पेयर। Dead. एकदम शो ऑफ वाला फिनिश दिया है। जीरो एचपी गई है मेरी। किसी को नहीं पता मैंने हीलेड यूज किया है, ठीक है, किसी ने नहीं देखा वो पार्ट। अबे ए रैंक मिला फिर भी। मजा आ गया, डिफीट कर दिया। वैसे तो वो कर ही देता मैं, 250 लेवल हूँ मैं, दिक्कत ही नहीं थी कोई। एंड ये फिर से वो स्वीट म्यूजिक बजा दिया इन्होंने, एवरीथिंग इज फाइन। Damn you, Kakarot! Why'd you do that? मार गुदी तोड़ इसकी। Sorry about that, Vegeta. Trust me, I've got a good reason. I don't give a damn what your reason is. My turn with Frieza wasn't over. Dad, what in the world happened? Okay, here's the thing. Okay, story बताइए। Well, now this is embarrassing. A god of destruction saving a world instead of destroying it. Exactly, discrimination करता है तू। Don't be like that, Lord Beerus. At least we still have access to Earth's mouth-watering food. एक food ने ज़िंदगी बचा ली Earth की। So you know, those two seem to have mastered that new power of theirs. I dare say they may have what it takes to give you a good fight, provided they drop their bravado and actually attempt to work together. It could happen. ये तो favorites खेल रहे हैं यार। I doubt that. गलत बात नहीं है। Turn back time, kind of hard to believe. Still, if anyone can pull off a technique like that, it'd be Whis. You know, I've been doing some thinking. We managed to win this time, but we probably could have finished off Frieza super quick if we had fought together from the very beginning. Okay, ये बात मैं बोलना चाहता हूँ। जैसे कि हमें इन एनिमे में, इन स्टोरीज में पता होता है कि in the end हीरो जीतेगा, ठीक है? हमें 100% पता होता है। लेकिन इसी से ये होता है, लाइक कितना भी जैसे ये पिंच में डालने की कोशिश करते हैं किसी भी हीरो को, लाइक अभी करा था, अर्थ फोड़ दी थी कि सब लोग शॉक में हो जाएं, ओहो क्या होगा क्या होगा। लेकिन जब से मैं डीबीजेड या ऐसी कोई सीरीज देख रहा हूँ, हमें पता होता है कुछ ना कुछ एंड में आके सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आई थिंक एनिमे या किसी भी सीरीज में यार। कुछ तो सैड के लिए छोड़ो, लाइक नरूटो में कुछ मेन कैरेक्टर्स को सच में मार दिया था हमेशा के लिए, वो चीज़ सही थी यार कि हाँ कुछ मेन कैरेक्टर डेवलप हुए वो, और उसके बाद कनेक्शन स्ट्रांग हुआ, और उसके बाद सैडनेस। देखो मेरे हिसाब से सैडनेस आनी चाहिए, ठीक है, होना चाहिए ऐसा, तभी मजा आता है किसी भी सीरीज में। हमेशा हैप्पी एंडिंग अच्छी नहीं लगती किसी भी सीरीज में ना। हमारे डेथ नोट में लाइट यागमी मर गया था, फेवरेट कैरेक्टर। I'd sooner die than work alongside you. I don't need your help or anyone else's. Glad to hear that, Vegeta. I'd much rather fight alone too, if I'm completely honest. Those two. They are quite the handful, aren't they? I agree. Let's go, Whis. लेकिन तुम लोग भी तो favorites खेल रहे हो। At least they finally agree on something. Vegeta के साथ हूँ मैं पूरे time. Vegeta मेरा यार, मेरा प्यार. And so, Frieza's villainous plan to invade Earth and exact revenge against Goku was foiled yet again. Alright, ये थी Golden Frieza की fight. Yay, heard. The world फिर से was happy once place. Again at peace. With cheating की वजह से. However, Goku and Vegeta would not rest, but instead went back to continue their training. Yeah, new DLC का इंतजार है अब. To become stronger and push themselves to even greater levels. थर्ड डीएलसी का, और मैं एक्साइटेड ज्यादा इसलिए हूं क्योंकि मेरे को सेल स्टोरी का भी नहीं पता। Remains, was this the last time Goku and Frieza would cross paths? नहीं। Only time will tell. Yes, फिर से आएगी बलरामी आगे। मजा आ गया यार, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ थर्ड डीएलसी के लिए भी, क्योंकि मेरे को स्टोरी के बारे में कुछ नहीं पता, तो गेम खेलने में और मजा आएगा, सस्पेंस रहेगा बहुत ज्यादा। यस, ओके गाइस, ये थी डीएलसी, और मुझे सच में लगता है कि ये गेम बहुत ही अच्छी तरीके से स्टोरी समझाती है। मेरे को पूरी डीबीजेड सीरीज देखने की जरूरत नहीं है। अब थर्ड डीएलसी आएगी, उसमें मे बी आई थिंक गोकू की वो वाली पावर आएगी, अल्टीमेट, वो पिंकिश पावर जिससे ये उससे लड़ता है, हिट से नहीं, मैं नहीं जानता, मैं नाम भी भूल गया।
तो यस, थर्ड डीएलसी का वेट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये डीएलसी देखने में मजा आया होगा। सब्सक्राइब कर देना प्लीज नोटिफिकेशन बेल के साथ अगर अभी तक नहीं किया है तो, ताकि ऐसी भयंकर वीडियोस आगे आने वाली आप लोग गलती से भी मिस ना कर दो। मैं चला, गुड बाय।